जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, आज आईक्यू 90 इंडिया में लॉन्च हो गया है और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर है कि भैया वन प्लस 10T बेहतर है कि आईक्यू 90 बेहतर है। अगर मैं आपसे कहूं आईक्यू 90 कई मामलों में वन प्लस 10T से आगे है तो आप लोग क्या कहोगे? मजाक नहीं कर रहा हूं, वन प्लस 10T आईक्यू 90 के आसपास भी नहीं है। आईक्यू 90 लिटरली बहुत सारी चीजों में वन प्लस 10T को बीट कर देता है। चलो आपको मैं बताऊंगा। यहां पर आपको 6.78 इंच का एक फुल एचडी प्लस E5 LTPO वर्जन 2.0 AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जबकि जो हमारा वन प्लस 10T है वो E4 AMOLED पैनल के साथ है। चलो कंपेयर नहीं करेंगे हम, स्पेसिफिकेशंस आप देख लो, आप खुद ब खुद समझ जाओगे भाई ये बाप है वो बेटा है। चलो आगे बताते हैं। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर TSR के जगह पे 1200 हर्ट्ज लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, 1200 हर्ट्ज लिखा है। अब मेरे को लगता है 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट है, जो बहुत ज्यादा है, जनरली 1000 हर्ट्ज का मिलता है। और अगर TSR की बात कर ले तो मैंने पता किया है 360 हर्ट्ज तक का TSR इसमें है, लेकिन फिर भी यार 1200 हर्ट्ज का ISR बहुत ज्यादा है। इतना स्मूथ है कि टच करोगे तो हाथ में मक्खन लग जाएगा, तेल लग जाएगा, बहुत ज्यादा बोल दिया। अब आगे चलते हैं। 10 बिट के कलर्स देखने को मिल जाते हैं, DCI-P3 कलर गैमेट, 388 का PPI, 1500 nits का पीक ब्राइटनेस, 500 nits का टिपिकल ब्राइटनेस, HDR10+ का सपोर्ट और 10 बिट के कलर्स बता दिया रहूंगा मैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन, छोटा सा पंचोल, कंप्लीटली बेसललेस डिस्प्ले, चिन एकदम है ही नहीं। देखो यारो, अगर साधारण शब्दों में समझाऊं, अगर आप इस डिस्प्ले पे गेमिंग करोगे ना, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अल्टीमेट लेवल का होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर आपको इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप प्रो मिल जाता है, जो आपके डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस को और ज्यादा बूस्ट अप करेगा और गेम की ग्राफिक्स को एकदम लल्लन टॉप तरीके से दिखाएगा। जो गेम का क्लैरिटी है, जो कलर्स हैं, जो आपको ब्राइटनेस लेवल्स देखने को मिलेंगे, मजा ही आ जाएगा। और अगर आप इस फोन को आउटडोर यूज करोगे तो आपको सारे चीजें अच्छे तरीके से दिखाई देंगे, इवन धूप में भी एकदम आपको ऐसा लगेगा कि आप घर में फोन को यूज कर रहे हो, क्योंकि ब्राइटनेस लेवल्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। और यार, अगर आप कंटेंट कंज्यूमिंग करने के लिए फोन को ले रहे हो तो लिटरली आपका एक्सपीरियंस एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। HDR10+ का सपोर्ट है, 10 बिट के कलर्स है, DCI-P3 कलर गैमेट है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, डिस्प्ले को एकदम ऑसम, अमेजिंग, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल पर्सन है तो आप उसको इंप्रेस कर सको। मैं जरूरी नहीं है यार, हो सकता तुम लोग सिंगल हो, लेकिन फिर भी सिंगल तो मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा बोलता हूँ, स्क्रिप्ट में मत लिखा करो। चलो कोई बात नहीं, डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, मूवीज वगैरह देखोगे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छा है। और ज्यादा तारीफ नहीं करते हैं, ज्यादा थोड़ा पर्सनल हो गया। चलो कैमरा की तरफ चलते हैं। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास इतने धासु, इतने फाड़ू है ना, कि वन प्लस 10T के कैमरास इसके आसपास भी नहीं है। सोनी IMX766 के कैमरा सेंसर के साथ आता है वन प्लस 10T, लेकिन जो आईक्यू 90 है वो सैमसंग के G N5 सेंसर के साथ है। ये वही कैमरा सेंसर है जो इस बार के आईक्यू 10 प्रो में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये बहुत ज्यादा फाड़ू सेंसर है। अभी तक कुछ ही फोन्स में आया है, वो भी आईक्यू के फोन्स है। यहाँ पर OIS का भी सपोर्ट मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है प्राइमरी कैमरा। फिर उसके बाद है 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, बहुत अच्छी बात है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सोनी IMX663 सेंसर के साथ, कमाल के अल्ट्रा वाइड शॉट्स देता है और आपको 150 डिग्री तक का एंगल देगा, तो 150 डिग्री तक आप खींच लोगे आराम से। और अगर सेल्फी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा सोनी IMX471 कैमरा सेंसर के साथ, और ये वही कैमरा सेंसर है जो आईक्यू 10 प्रो में आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा में बहुत अच्छे सेल्फीज देगा, टेंशन मत लो। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 मिल जाता है, जो एक 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, Adreno 730 मिल जाता है। और यहाँ पर आपको Vivo का V1+ चिप मिल जाता है, जो एक ISP चिप है, जो आपके परफॉर्मेंस को और ज्यादा बूस्ट अप करेगा, प्रोसेसर का ध्यान रखेगा, फोन को हीट होने से रोकेगा। सोच के देखो भाई, ये वाला चीज भी आपको इसमें मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें नई देखने को मिलेंगी, जो आईक्यू सबसे पहले अपने फोन में देने की कोशिश किया है। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जो अल्ट्रासोनिक बेस्ड है, और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा एरिया देखने को मिलेगा, स्कैनिंग एरिया, तो एक साथ दो अंगूठा लगा सकते हो। ये सब लोग देते हैं जो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एनहांस UFS 3.1 का चॉइस सपोर्ट मिलता है, एनहांस LPDDR 5 रैम टाइप मिल जाता है। ये नया है दोस्त, बहुत ही तगड़ा आपका परफॉर्मेंस रहेगा और बहुत ही तगड़ा रीड और राइट स्पीड रहेगा आपके फोन का। और यहाँ पर आपको 4700 mAh बैटरी मिल जाता है, 4700 mAh, और 120W का सुपर फास्ट चार्जर मिल जाएगा, चार्जर बॉक्स में रहेगा, टेंशन मत लेना। एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, वन टच OS 12.1 समथिंग पे रन करेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड, और IR ब्लास्टर भी है, NFC भी है, Wi-Fi 6 भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी है, एडवांस VC लिक्विड कूलिंग भी मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा ऑसम VC लिक्विड कूलिंग है, बहुत ही तेजी से स्मार्टफोन को ठंडा करेगा। बस ये सब चीजें हैं।
डिजाइन और बिल्ड वाइज बात कर लें तो ये स्मार्टफोन 8.46 mm की थिकनेस के साथ आता है, 207 grams इसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन थोड़ा सा मोटा है लेकिन भारी बहुत ज्यादा है, अंदर इतना माल मसाला है तो भारी तो रहेगा। डिजाइन वाइज देखोगे तो आपको शायद इतना मजा ना आए क्योंकि यहाँ पर ब्लैक स्पॉट काफी बड़ा है जो स्मार्टफोन के डिजाइन को कहीं ना कहीं खराब कर देता है। BMW का जो स्पेशल कलर है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, इनफैक्ट कोई भी कलर आपको पूरा दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लैक स्पॉट कर दिया गया है जो अच्छा नहीं लगता यार, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता, शायद आपको अच्छा लगे। अगर आप डिजाइन वाइज देखोगे कैमरा हाउसिंग को तो नया है, कैमरा के लेआउट थोड़ा सा नया करने की कोशिश किया है, अच्छा लगा देख के। सबके अपने अपने चॉइस होते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, क्या कर सकते हो यार, किसी को अच्छा लगेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आगे से देखोगे तो कम्प्लीटली बेजलेस डिस्प्ले, छोटा सा पंचोल चीन एकदम है ही नहीं, अच्छा लगता है देखने में। बिल्ड वाइज देखोगे तो ग्लास बॉडी के साथ आता है, एल्युमिनियम फ्रेम दे देता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है और इसके कुछ लेदर वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, मेरे को लगता है BMW स्पेशल एडिशन लोगे तो लेदर बैग के साथ आएगा, तो लेदर वेरिएंट्स भी हैं, ग्लास वर्जन्स भी हैं और यहाँ पर आपको IP67 का रेटिंग मिल जाता है। हाँ सही सुन रहे हो। अब चलो यार बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो गया है, 2 RAM वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, प्राइसेस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ देख लो, ऑफर्स और सेल डेट्स भी आपको दिखाई देंगे। वैसे तो 2 अगस्त को पहला सेल रहेगा और आपका भाई आपको 2 महीने पहले ही कह दिया था 50,000 रुपए से शुरू होगा, देख लो 50,000 रुपए से शुरू हुआ है और अगर आप ऑफर्स वगैरह लगा के इसको ले लोगे तो वो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब चलो यार बात कर लेते हैं क्या वाकई में हम लोगों को आईकू 90 को खरीदना चाहिए या फिर OnePlus 10T का वेट करना चाहिए, 2 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। देखो यारो सिंपल वे में कह रहा हूँ आईकू 90 को खरीद लो, वो हर मामले में OnePlus 10T से आगे है, वो भी 50,000 रुपए के आसपास ही लॉन्च होगा, वहां पर आपको इतने अच्छे कैमरास भी नहीं मिलते हैं, डिस्प्ले भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर तो डिस्प्ले भी बेस्ट है, कैमरास भी बेस्ट है, लुक्स वाइज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी बेस्ट है, बिल्ड वाइज भी बेस्ट है, तो भाई सभी चीजें तो अच्छा दे रहा है ये, इसको खरीद लो ना यार। अगर फिर भी इसको नहीं खरीदना चाहते हो तो 2 अगस्त को तो पहला सेल रहेगा आईकू 90 का और उसी दिन OnePlus 10T लॉन्च हो रहा है, तो लो भैया उसी दिन आपको प्राइस भी पता चल जाएगा OnePlus 10T का। OnePlus 10T इसे तभी विन कर पाएगा जब वो 45,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा और मुझे नहीं लगता कि OnePlus उसको 45,000 रुपए में लॉन्च करेगा, लॉन्च करेगा 50,000 रुपए के आसपास तक, चलो तब का तब देखेंगे, लेकिन ये फोन बेस्ट है इसको खरीद लेना। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।